हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अभय चौटाला और उसके अलावा 53 लोगों को दिल्ली की अदालत ने टीचर भर्ती घोटाले में दोषी पाया है। 3000 टीचरों की भर्ती का ये घोटाला बताया जा रहा है और इसमें दिल्ली की अदालत ने दोषी पाया है। क्या कहा है कोर्ट ने? एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अंकित बताइए। सिद्धार्थ, अभी कुछ मिनटों पहले जो दिल्ली की रोहिणी अदालत ने अपना फैसला सुनाया है उसमें जो ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला समेत जो है 53 लोगों को दोषी करार दिया है। ये मामला और साल 99-2000 के दौरान जूनियर बेसिक टीचर्स जो ट्रेन टीचर्स हैं उनकी भर्ती का है। 3206 टीचर्स को भर्ती किया गया था उस दौरान, और जब ये मामला जो है उजागर हुआ तो ये पता चला कि इस मामले में फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर ये नियुक्तियां की गई थी, भर्ती की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है नवंबर 2003 में इस मामले में सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने साल 2004 में जो है मामला दर्ज किया था, 2008 में चार्जशीट दायर की थी, और पिछले साल जो है कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ जिसमें ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला भी शामिल थे उनके खिलाफ आरोप तय किए थे। और आज इस मामले में जो फैसला आया है उसे ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला समेत 53 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। यानी साफ तौर पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। साथ ही में पूर्व सांसद और मौजूदा जो है विधायक उनके बेटे अजय चौटाला भी इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं। वहीं जो बाकी 53 लोग हैं उसमें 2 आईएएस ऑफिसर भी, जो पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं वो भी जो है दोषी करार दिए गए हैं। और इस मामले में 17 तारीख, 19 तारीख और 21 जनवरी यानी कि तीन, क्योंकि इतने ज्यादा जो इस मामले में आरोपी हैं लिहाजा 17 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी को आरोपियों की सजा पर बहस होगी, और 22 जनवरी को अदालत इस मामले में सभी आरोपियों के लिए क्या सजा जो है तय की गई है उसका ऐलान करेगी। 22 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली की अदालत का ये फैसला है। ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, और उनके बेटे अजय चौटाला, अभय चौटाला नहीं, माफ कीजिएगा, अजय चौटाला को भी दोषी करार दिया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया है। और ये पूरा मामला क्या है हम जानते हैं विस्तार से। हमारे साथ हमारे एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल भी जुड़ गए हैं। जगविंदर, क्या है ये शिक्षक भर्ती घोटाला जिसके तहत ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दोषी करार दिया है दिल्ली की अदालत ने? देखिए सिद्धार्थ, ये सन 2000 की बात है जब ओम प्रकाश चौटाला जो है वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के। उस वक्त तकरीबन 3000 जेबीटी टीचर भर्ती किए गए थे, और उस पूरे मामले में ये आरोप लगा था कि जब भर्ती की गई उसमें जो मेरिट के आधार पर जिन टीचर्स की नियुक्ति हुई थी उनको ना रख के ओम प्रकाश चौटाला और उनके लोगों ने वो लिस्टें बदल दी और अपने सिफारशी लोगों का रिजल्ट आउट कर दिया। यानी जो मेरिट के आधार पर जिनकी लिस्टें बनी थी उनको दरकिनार करते हुए सिफारशियों को तरजीह दी गई और उनका रिजल्ट आउट किया गया। और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त खुला जब आईएएस संजीव कुमार, जो कि 1985 बैच के आईएएस हैं, हरियाणा काडर के थे, उन्होंने ये दलील रखी कि ओम प्रकाश चौटाला ने उनके खिलाफ कुछ फर्जी मामले बनाए हैं। उनमें विजिलेंस और चंडीगढ़ पुलिस में कई मामले दर्ज करवा दिए गए थे ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा, और संजीव कुमार ने ये कहा कि ये मुकदमे इसलिए दर्ज करवाए जा रहे हैं उनके खिलाफ क्योंकि उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर जेबीटी टीचर्स की रिजल्ट को बदलने से इनकार कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों ना ये एक बड़ा भर्ती घोटाला लग रहा है और जो एक आईएएस आरोप लगा रहा है इसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। लेकिन हुआ ये कि जब सीबीआई की जांच हुई तो खुद संजीव कुमार, जो अपने आप को विश्व ब्लोअर कहते थे, वो भी आरोपियों की लिस्ट में आ गए और वो भी फंस गए। सीबीआई ने ये पाया कि भर्ती में घोटाला हुआ है और इसमें बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं और तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए ये लिस्टें जारी की गई, रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई। और उन्होंने कहा कि इसमें संजीव कुमार की भूमिका भी साफ नहीं है। संजीव कुमार भी सरकार के साथ मिले हुए थे और बाद में अनबन के चलते जब उनके खिलाफ चौटाला सरकार ने मुकदमे दर्ज करवाने शुरू किए तो वो अपने आप में विजिल ब्लोअर की भूमिका में आ गए। तो ऐसे में संजीव कुमार को भी आरोपी बनाया गया और कुल तकरीबन 60 आरोपी थे इस मामले में, जिनमें 5 या 6 की मौत हो चुकी है। और जो मुख्य तौर पर ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बड़े बेटे अजय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के करीबी शेर सिंह बड़शामी समेत तकरीबन 60 लोग इसमें आरोपी थे। तो ये पूरा मामला था जिसके चलते ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही थी, उनके करीबियों के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही थी, जिसमें आज उनको दोषी करार दिया गया है।